देश एक ओर जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लाल किले के ठीक सामने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे DRDO ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, वहाँ से करीब 100 कदम की दूरी पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम में जैमर लगा हुआ है, यह 4 किलोमीटर तक ड्रोन को डिटेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई ड्रोन रेंज में पाया जाता है तो उसे लेज़र मिसाइल के जरिए नेस्तनाबूद कर देगा। वहीं 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हमले के लिए स्पेसिफिक अलर्ट मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाल किले पर अटैक को लेकर इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस को स्पेसिफिक अलर्ट्स दिए हैं। इस बार हमले को लेकर स्ट्रॉन्ग अलर्ट्स हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी राज्यों की पुलिस को, खास तौर पर दिल्ली पुलिस को बताया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर के रास्ते कुछ IED भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। इसको लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।